हेलो स्टूडेंट, आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है 11th क्लास का और उसका चैप्टर है स्टेट ऑफ फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर। हाफ एल एग्ज़ाम हो चुके हैं, इसके बाद जो रिमेनिंग चैप्टर्स रहे हैं उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं जो हमें ईयरली में ज़्यादा मार्क्स गेन करेंगे। और उसमें जो पहला चैप्टर है वो है स्टेट ऑफ मैटर, यानी जो द्रव्य की अवस्थाएं हैं उसके बारे में इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे। मैं रेनू यादव और ये चैनल है केमिस्ट्री विथ यादव मैम। तो चलो भी स्टार्ट करते हैं स्टेट ऑफ मैटर। स्टेट ऑफ मैटर समझने से पहले हमें स्टेट समझनी पड़ेगी। स्टेट्स क्या होती है? मेनली हम तीन स्टेट्स की बात करते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो हम कितनी स्टेट के बारे में बात करेंगे? सॉलिड, लिक्विड और गैस। छोटी क्लास में भी पढ़ा है और हम सभी जानते हैं जो सॉलिड होती हैं, सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में आकर्षण बल ज़्यादा होता है। आकर्षण बल ज़्यादा होने के कारण उनका आकार निश्चित होता है, उनका आयतन निश्चित होता है। लिक्विड जो है, किसी बॉटल है उसके अंदर पानी भर दिया मैंने, तो उसका आयतन तो निश्चित है लेकिन उसका आकार निश्चित नहीं है। और जो गैस है उसके तो अणु का ना तो आकार निश्चित होता है ना ही आयतन निश्चित होता है। अब हम बात करते हैं इनके मॉलिक्यूल्स किस तरह से बाइंड अप होते हैं, उनके बीच में कौन से फोर्स अप्लाई होते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने कोई वाटर मॉलिक्यूल ले लिया, वाटर मॉलिक्यूल को एक वाटर मॉलिक्यूल ले लिया, उसे मैंने अपने हथेली पे रख दिया, क्या वो इसे गीला करेगा? नहीं। एक वाटर मॉलिक्यूल के अंदर वो प्रॉपर्टी नहीं है कि मेरे हाथ को गीला कर सके, पर मैंने पानी डाला, मेरे हाथ पे दो चार पांच बूंदें पानी की डाली तो मेरा हाथ गीला हो गया। इट मीन्स वो पानी की बूंद में चार पांच मॉलिक्यूल्स होंगे या उससे भी ज़्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे। अगर हम पर ड्रॉप की बात करें एक मॉलिक्यूल्स, तो इसका मतलब जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मिल जाते हैं तो उसकी जो प्रॉपर्टी है वो निकल के सामने आती है। उन्हीं प्रॉपर्टीज़ का हम डिस्कशन करेंगे, ये प्रॉपर्टीज़ कैसे होती हैं, इनके बीच में फोर्सेस कैसे होते हैं। तो जब भी इन फोर्सेस की बात आती है इन स्टेट्स में, तो उसमें दो तरह के फोर्सेस अप्लाई होते हैं। एक तो होते हैं इंट्रा मॉलिकुलर और एक होते हैं इंटर मॉलिकुलर। इंट्रा मॉलिकुलर फोर्सेस और एक है इंटर मॉलिकुलर फोर्सेस। इंट्रा की बात करें तो इंट्रा का मतलब होता है एक ही मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्सेस पाए जा रहे हैं वो कहलाते हैं इंटर मॉलिकुलर फोर्सेस, इंट्रा मॉलिकुलर फोर्सेस। और जब बहुत ज़्यादा अणुओं के बीच में फोर्सेस पाए जा रहे हैं तो उसे कहते हैं इंट्रा मॉलिकुलर फोर्सेस। फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोगों ने देखा होगा, जैसे हमारी फैमिली है, हमारी फैमिली में मेरी मम्मी है, पापा है या ब्रदर है या सिस्टर है, तो हमारी एक फैमिली है, तो उस फैमिली के अंदर जो भी रिश्ते हैं वो हमारे इंट्रा मॉलिकुलर है। परंतु इस फैमिली का किसी अनदर फैमिली से जो रिलेशन है वो है आपका इंटर मॉलिकुलर। कि या फिर कंपटीशन होते हैं, जैसे एक स्कूल के अंदर कंपटीशन है तो वो इंट्रा स्कूल कंपटीशन है, किसी और स्कूल के साथ उसका कंपटीशन है तो वो इंटर स्कूल कंपटीशन है। तो इस तरह से ही ये हमने देखा दो तरह के फोर्सेस होते हैं, एक तो इंट्रा मॉलिकुलर फोर्सेस होते हैं और एक इंटर मॉलिकुलर फोर्सेस होते हैं। इन इंटर मॉलिकुलर फोर्सेस को वैन डेर फोर्सेस के नाम से भी जाना जाता है। ये जो वैन डेर फोर्सेस होते हैं ना, ये बहुत वीक फोर्सेस होते हैं, 50 किलो जूल पर एनर्जी होती है इनकी, तो मतलब बहुत ज़्यादा वीक फोर्सेस के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। तो हम इनकी बात करते हैं तो ये किस टाइप के फोर्सेस होते हैं, तो इसमें मेनली जो है अट्रैक्शन फोर्स होते हैं, रिपल्शन फोर्स भी होते हैं, परंतु अगर इसको बाइंड अप करने की बात करें तो अट्रैक्शन फोर्सेस ज़्यादा बेनिफिट्स रखते हैं इनके लिए। तो हम देखते हैं उसमें पहला है लंदन फोर्स। अब ये लंदन फोर्स पाया किसके अंदर जाता है? ये पाया जाता है नॉल पोलर। लंदन फोर्स सीखने से पहले हम एक पोलर और नॉन पोलर के बीच का डिफरेंस देख लेते हैं। देखिए मैं बताती हूँ आपको कैसे। ये मेरे पास दो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, ये वाइट कलर वाले इंडिकेट किए मैंने दो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, और ये एक मेरे पास हाइड्रोजन है और एक सपोज करो फ्लोरीन है। ये ऑक्सीजन को डिनोट करता है पर मैं इसे एक फ्लोरीन मान रही हूँ कि ये फ्लोरीन है और ये हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन की जो विद्युत ऋणता होती है उसके बीच में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है,
डिफरेंस कैसे होगा, सेम ही है तो डिफरेंस जीरो, तो इसका मतलब इसके ऊपर कोई पॉजिटिव किसी की विद्युत ऋणता ज़्यादा नहीं, आराम से हिस्सा बराबर है। परंतु अगर बात करें हाइड्रोजन और फ्लोरीन की, तो हाइड्रोजन की विद्युत ऋणता फ्लोरीन की विद्युत ऋणता से कम है, तो जिसकी ज़्यादा जो जिसकी लाठी उसकी भैंस वो वाली बात है। तो ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपने पास कौन रखेगा, ये फ्लोरीन रखेगा। ये जब बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपने पास रखेगा तो जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, परंतु इसने इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचा है, पूरी तरह से लिया नहीं है, तो इस पे जो चार्ज आएगा वो आएगा पार्शली नेगेटिव और इसके ऊपर आएगा पार्शली पॉजिटिव। तो इस तरह से हमने देखा इसके अंदर कोई भी पार्शली पॉजिटिव पार्शली नेगेटिव नहीं बन रहा, तो इसका मतलब ये तो है अद्रव्य अणु और ये कैसा है ध्रुवीय अणु, यानी ये है पॉलर नेचर का अणु और ये है अध्रुवीय नॉन पॉलर नेचर का अणु। तो अब हम देखते हैं इस तरह से, इसमें तो डाइपोल मोमेंट क्रिएट है परंतु इसमें कोई भी डाइपोल नहीं है। अब ये लंदन फोर्सेस किस में पाया जाता है, तो ये लंदन फोर्सेस जो है वो अध्रुवीय मॉलिक्यूल्स में पाया जाता है। सपोज करें मेरे पास एक कोई भी मॉलिक्यूल या कोई भी अणु जो है, इसमें इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं, घूम रहे हैं, सडन ये इलेक्ट्रॉन एक साइड आ जाते हैं, तो यहाँ पे कोई चार्ज होगा या फिर उस साइड चले जाते हैं, तो अगर उस साइड चले गए तो नेगेटिव चार्ज आ गया, अगर इस साइड आ गए तो नेगेटिव चार्ज आ गया, अगर उस साइड चले गए तो यहाँ क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो इस पॉजिटिव चार्ज, ये कोई और मॉलिक्यूल आया, इस पॉजिटिव चार्ज ने इस दूसरे वाले मॉलिक्यूल्स को इंड्यूस किया है, दोनों ही अध्रुवीय, दोनों में कोई भी ध्रुवणता नहीं है, तो इसके अंदर भी सडन ही थोड़ा सा चार्ज डेवलप हो गया और इनके बीच में फोर्स क्या हो गई, अप्लाई हो गई। तो इस टाइप की फोर्सेस क्या कहला रही है, लंदन फोर्सेस कहलाती हैं। फॉर एग्जांपल एग्ज़ाम चल रहे हैं, दो शरारती बच्चे हैं, पढ़ते नहीं हैं, परंतु अगले दिन एग्ज़ाम है, तो एक बच्चे ने दूसरे बच्चे को फ़ोन करके कहा कि यार आज पढ़ लेते, कल पेपर है, तो ठीक है जी पढ़ लेते हैं। बच्चे दोनों पढ़ने लगे, पेपर देके आ गए, क्या नेक्स्ट डे वो पढ़ेंगे, जो पूरे साल नहीं पढ़े वो बहुत कम पॉसिबिलिटी है कि वो पढ़ें आगे। तो इसका मतलब उनके बीच में क्षणिक उत्पन्न हुआ कि हाँ पढ़ लेते हैं। तो इस तरह से लंदन फोर्सेस में भी इनके ऊपर कोई चार्जेस नहीं है, परंतु इसने इसको हल्का सा पोलराइज्ड कर दिया, यानी इसके अंदर क्या होगा, पोलराइजिंग पावर होनी चाहिए ताकि ये इसको क्या कर सके, पोलराइज्ड कर सके, और इसके अंदर पोलराइजिबिलिटी होनी चाहिए, ध्रुवणता होनी चाहिए, और ये कब होगी, जब इसका साइज क्या होगा, बड़ा होगा। कहने का मतलब मैंने अपने दोस्त को फ़ोन कर दिया कि तू भाई याद कर ले, अब उसकी मर्जी करे या ना करे, या फिर मैंने उसको किस तरह से कन्वेंस किया है तो उस पर भी डिपेंड करेगा, और उसके खुद का मन कितना है पढ़ने का उस पर भी निर्भर करेगा। तो ये लंदन फोर्सेस अध्रुवीय मॉलिक्यूल्स के बीच में पाए जाते हैं, हालांकि इनके बीच में किसी तरह का पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं होता, परंतु एक अध्रुवीय मॉलिक्यूल कुछ समय के लिए क्या हो जाता है, चार्ज्ड हो जाता है, हल्का सा चार्ज्ड हो जाता है, चार्ज होने से ये किसी दूसरे अध्रुवीय मॉलिक्यूल्स को भी क्या कर सकता है, चार्ज कर सकता है, और उस वक्त जो फोर्स अप्लाई होता है, जो वीक फोर्स अप्लाई होता है, क्षणिक होता है, टेम्प्रेरी होता है, तो उसे हम कहते हैं लंदन फोर्स, उसे हम क्या कहेंगे, लंदन फोर्स। फिर दूसरा हम डिस्कस करते हैं डाइपोल डाइपोल फोर्स। ये जो लंदन फोर्स है, ये इनके बीच के डिस्टेंस के जो होता है व्युत्क्रमानुपाती होता है, और आठ की घात 6 के, यानी डिस्टेंस थोड़ी भी हमने ऊपर नीचे की तो फोर्स 6 गुना क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब हम लेते हैं दो डाइपोल वाले लेते हैं, एक मैंने ले लिया HF, ये देखिए जी, एक ये फ्लोरीन है, ये हाइड्रोजन है, ये फ्लोरीन है, ये हाइड्रोजन है, यानी दो मैंने हाइड्रोजन फ्लोराइड जो है मॉलिक्यूल्स ले लिए। इनके बीच में डाइपोल है, हाँ है, क्यों, हम जानते हैं कि हाइड्रोजन जो है उसकी विद्युत ऋणता कम है, फ्लोरीन की विद्युत ऋणता ज़्यादा है, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर नेगेटिव पॉजिटिव, इसके ऊपर भी नेगेटिव पॉजिटिव। सपोज करो
इस पॉजिटिव ने इस नेगेटिव को अपने ओर अट्रैक्ट किया, तो इसके बीच में क्या होगा, एक फोर्स अप्लाई हो गया। और ये फोर्स किस नाम से जानते हैं, अपन पढ़ चुके हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। यानी हाइड्रोजन बॉन्ड एग्जांपल किसका है, डाइपोल डाइपोल फोर्स का एग्जांपल है। हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो एक हालांकि वीक फोर्स है, परंतु किसके कंपैरिजन में ज़्यादा है, लंदन फोर्स के कंपैरिजन में ज़्यादा है, क्योंकि ये अधिक विद्युत ऋणता वाले। हाइड्रोजन बॉन्ड बनता कब होता है, जब हाइड्रोजन किसी अधिक विद्युत ऋणी परमाणु के साथ जुड़ा होता है, ऑक्सीजन हो गई, नाइट्रोजन हो गई, उनके साथ जुड़ा हो, फ्लोरीन हो गई। एक क्वेश्चन यहाँ अराइज हो सकता है, ये क्लोरीन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड क्यों नहीं बनाता भाई? तो इसका कारण ये है कि जब हम ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं तो फ्लोरीन द्वितीय आवर्त का है, क्लोरीन तृतीय आवर्त का है। एक आवर्त नीचे आते ही साइज बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है। और हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लिए कंडीशन दो है कि एक तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होना चाहिए और एक उसका साइज छोटा होना चाहिए। तो इस तरह से हमने दो फोर्सेस देखे, रेनन फोर्सेस जो तो अध्रुवीय अणुओं के बीच में पाया जाता है, परंतु डाइपोल डाइपोल फोर्सेस किसके अंदर, जिसके अंदर ऑलरेडी डाइपोल प्रेजेंट है उस अणुओं के बीच में पाया जाता है। एक तीसरा फोर्सेस हम देखते हैं, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल फोर्सेस, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल। ये फोर्सेस भी, ये क्राइटेरिया इसका रहेगा, देखिए ये क्या है ध्रुवीय और ये क्या है मेरे पास एक अध्रुवीय। तो एक फर्स्ट वाले में दोनों अध्रुवीय थे, सेकंड वाले में दोनों ध्रुवीय ध्रुवीय थे, अब इसके अंदर एक अध्रुवीय होगा और एक ध्रुवीय होगा। ये ध्रुवीय है और ये अध्रुवीय। तो इस ध्रुवीय ने, पोलर ने इस अध्रुवीय नॉन पोलर को क्या कर दिया, इंड्यूस कर दिया, इसके अंदर भी थोड़ा सा डाइपोल इंड्यूस कर दिया, तब जो फोर्सेस लगेगा, इसने इसको इंड्यूस किया है, इसके अंदर डाइपोल ऑलरेडी था, इसके अंदर इंड्यूस हुआ है, इसलिए इस टाइप का फोर्सेस कहलाता है डाइपोल इंड्यूस डाइपोल फोर्स। इस तरह से हमने देखा कि हमने इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के बारे में आज स्टडी की, उसके बारे में तीन फोर्सेस हमने पढ़े आज, लंदन फोर्स, डाइपोल डाइपोल फोर्स और डाइपोल इंड्यूस डाइपोल फोर्स। नेक्स्ट वीडियो में, ये पार्ट वन वीडियो है, नेक्स्ट वीडियो में फर्दर हम थर्मल एनर्जी, गैस जो है गैसीय स्टेट, उसके बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।